कर रही है। 25-25 साल, किसी को 30-30 साल इस आंगनवाड़ी में काम करते हो गए, आज तक गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। आज की इस महंगाई में देखो हम क्या कर सकेंगे, हमें बच्चे भी पालने हैं, सारा कुछ घर का खर्चा चलाना है। पहले तो हमें 3700 मिलती थी, आज ये 5100 हमें दे रहे हैं, ये भी टाइम का हमें नहीं मिल रहा है पैसा। ये भी ऐसे साल में हमें तो 2 ही महीने में मिलता है, 2 बार मतलब मिलता है महीने का। तो यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें टाइम टाइम की सैलरी दें और हमारी सैलरी आगे भी बढ़नी चाहिए। ये 5000 से हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि कहीं वर्कर इसमें ग्रेजुएट भी हैं, एमए हैं, तो गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि आगे इनकी प्रमोशनें भी तो होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने इनको यहीं पे रिटायर भी कर देना है। तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ही जुल्म हमारे साथ किया तो फिर हम तो सड़कों में अपने बच्चे लेकर हम सब वर्कर हेल्पलाइन धरने पर बैठ जाएंगे। जुड़ा हुआ हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते आज हमने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हमारे ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स मैक्सिमम इनकी सैलरी 5100 या 3000 है, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं मिलती है। तो आज की गर्जो गाज जो है तो इनकी सैलरी या टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए और साथ में इनका इसमें गुजारा नहीं होता है, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में ये इतना सफ़र कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं है। हम चाहते हैं कि हेल्पर को, जो कि बाकी स्टेटों में इस वक्त उनकी सैलरी है, अगर 10,000 सैलरी 10-15 तक इनकी सैलरी हो जाए और हेल्पर जो है वो 6-8 तक इनकी सैलरी हो जाए, तो तब ये अपने बच्चों का ये गुजारा इनका हो सकता है और अपना घर चला सकती हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इनका जीना मुश्किल हो चुका है। लिहाजा हमारी नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की ये हमारी लड़ाई है गवर्नमेंट के साथ, तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और जो इस वक्त वो दे रहे हैं टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिलनी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरकत अली, मेरा नाम है, नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट का जिला सदर। और आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अरसे दराज से ये काम कर रही हैं, लेकिन यूटी बनी तो यूटी का हमें इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो दिल्ली हरियाणा बाकी जगह इनकी जो सैलरी है 10,000-6,000, हम चाहते हैं कि वही यहाँ भी इनको मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सीनियरिटी लिस्ट 2010 से इनकी पड़ी है, ये ग्रेजुएशन हैं तो इनको अभी कोई बेनिफिट उसका नहीं मिले है, वो सीनियरिटी लिस्ट अभी बंद है। हम चाहते हैं कि हेल्पर टू वर्कर, वर्कर टू सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र टू CDPO, जो रूल है, जो हमारी मांगे हैं, वो कम से कम हल होनी चाहिए। दर्जनों के हिसाब से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर काम करती हैं, लेकिन उसके बराबर इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो हमारी ये गुजारिश है निज़ामिया से, ताकि इनका भी कोई मसला हल होना चाहिए, इनकी जो सेनल्टी लिस्ट है वो भी ऊपर जानी चाहिए, ताकि इनको भी अपना हक मिलेगा, हेल्पर टू वर्कर, वर्कर टू सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र टू CDPO। तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जहाँ भी इनके पोलियो ड्राफ्ट की ड्यूटी होती है या और भी कितने इलेक्शन ड्यूटी होती है, तो हर मोर्चे पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर खड़ी है। लेकिन खुदा रहा, हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इनका मसला जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि जो बाकी स्टेट में इनको 10,000-6,000 तनख्वाह मिलती है और यह डोडा में या पूरे जम्मू कश्मीर में इनको भी वही मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या इनकी तनख्वाह है इस वक्त? तो अभी 6-8 महीने से इनकी सैलरी बंद है। हम ये भी गुजारिश करेंगे कि कम से कम मंथली इनको सैलरी मिलनी चाहिए। ये हर मोर्चे पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर खड़ी है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो या इलेक्शन हो या पोलियो ड्राफ्ट की ड्यूटी हो,
तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ताकि इनको भी उस ज़ुमरे में लाए जो यूटी का जो फ़ायदा उठा रहे हैं हरियाणा दिल्ली में बाकी जगह, तो वो 10,000-6,000 इनको भी सैलरी मिलनी चाहिए।